हाय व्यूअर्स, वनकम। आज का वीडियो देखने के पहले अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ उस बेल आइकॉन को भी दबाइए। आज का कॉन्सेप्ट है सिंपल सेंटेंसेस। पहले हम कुछ शब्दों के बारे में देखने वाले हैं, उसके बाद उन शब्दों को जुड़कर तमिल में कैसे सरल वाक्य बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। अब हमारा पहला शब्द है इंगे। इंगे इसका मतलब है इधर या यहाँ भी हो सकता है। अगर आपको तमिल में इधर या यहाँ के मतलब में प्रयोग करना है तो उसके लिए इंगे इंगे। अगला शब्द है वा। वा आओ। वांग वांग आइए आइए। वै वै रखो। वैंग वैंग रखिए। கிடைக்கும் கிடைக்கும் மிலேகா। கிடைக்காது கிடைக்காது நகி மிலேகா। கடை இருக்கிறது கடை இருக்கிறது இஸ்கா மத்லப் ஹே துகான் ஹே। கடை கடை கா மத்லப் ஹே துகான். அகர் ஆப்கோ மந்திர் ஹே கஹனா ஹே தோ உஸ்கே லியே கோவில் இருக்கிறது கோவில் இருக்கிறது மந்திர் கே லியே கோவில் சப்த கோ பிரயோக் கர் சக்தே ஹே। अब शब्दों को जुड़कर कैसे वाक्य बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। अब हमारा पहला वाक्य है इंगे वा। इंगे वा इसका मतलब है इधर आओ। अगर आधा के साथ आपको कहना है तो इंगे वांग इंगे वांग। सो आइए कहने के लिए वांग होता है, सो इधर आइए कहने के लिए इंगे वांग। इधर रखो इसके लिए इंगे वई इंगे वई। इंगे वईंग इंगे वाइंग इसका मतलब होगा इधर रखिए। कोई चीज या जानवर या पक्षी के बारे में बोलते समय आपको कहना है कि इधर मिलेगा, इसी तरह का आपको कहना है तो उसके लिए तमिल में इंगे किड़ेकुम इंगे किड़ेकुम। नहीं इधर नहीं मिलेगा, इसी तरह का आपको कहना है तो उसके लिए इंगे किड़ेकादु इंगे किड़ेकादु। नहीं मिलेगा तो किड़ेकादु कहते हैं, मिलेगा तो किड़ेकुम कहते हैं। इधर दुकान है, इसी तरह आपको कहना है तो उसके लिए इंगे कड़े इरिकिरदु इंगे कड़े इरिकिरदु। इधर दुकान के बदले आपको मंदिर कहना है तो मंदिर के लिए कोविल, सो उसको प्रयोग कीजिए। इंगे कोविल इरिकिरदु इंगे कोविल इरिकिरदु इसका मतलब है इधर मंदिर है। अब हमारा दूसरा शब्द है अंगे। अंगे उसका मतलब है उधर। पहला शब्द है पो। पो जाओ। पोंग पोंग जाइए। वैकादे वैकादे मत रखो। वैकादिंग वैकादिंग मत रखिए। यार इरिकिरार्गल यार इरिकिरार्गल कौन है। मानवर्गल मानवर्गल विद्यार्थी। एन्ने इरिकिरदु एन्ने इरिकिरदु क्या है। मैदानम मैदानम मैदान। अब इन शब्दों को जुड़कर वाक्य बनाएंगे। अंगे पो उसका मतलब है उधर जाओ। अंगे पोंग उधर जाइए। अंगे वैकादे उधर मत रखो। आप इसी तरह भी कह सकते हैं उधर मत रखो इधर रखो, इसी तरह कहना है तो अंगे वैकादे इंगे वै। आप जैसे चाहते हैं वैसे वाक्य बन सकते हैं। और अंगे वैकादिंग अंगे वैकादिंग उधर मत रखिए। उधर कौन है, इसी तरह का आपको प्रश्न पूछना है तो उसके लिए अंगे यार इरिकिरार्गल अंगे यार इरिकिरार्गल। जवाब देते समय उधर विद्यार्थी हैं, इसी तरह का आपको जवाब देना है तो उसके लिए अंगे मानवर्गल इरिकिरार्गल अंगे मानवर्गल इरिकिरार्गल। उधर क्या है, इसी तरह पूछना है तो उसके लिए अंगे एन्ने इरिकिरदु अंगे एन्ने इरिकिरदु। इसको जवाब देते समय उधर मैदान है कहना है तो अंगे मैदानम इरिकिरदु अंगे मैदानम इरिकिरदु। आज हम कुछ नए शब्दों सीखे हैं, उसको प्रयोग करके आप जैसे चाहते हैं वैसे वाक्य बनकर रहिए। और एक कॉन्सेप्ट के द्वारा अगला वीडियो में देखेंगे। नंद्री वनकम। अगर आपको एक वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगला वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ उस बेल आइकॉन को भी दबाइए।